अब देख रहे स्थानीय पुलिसकर्मियों को, लोगों को वाहन अधिनियम और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालना के निर्देश देते हुए। इस तरह जिला सिरमौर की बात करें तो उपमंडल संगड़ाहा में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, जबकि अन्य सभी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ कोरोना के दो भी मामले। सुबह के 10:30 हुए और आप देख रहे हैं बस अड्डा बाजार संग्रहालय में लोगों की आवाजाही। इस तरह कुछ लोग आराम करने भी बैठे हैं और वीडियो बनाता देख मास्क लगा रहे हैं, अथवा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान आता है लोगों को। अभी हालांकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मगर खरीदारी का समय होने के चलते लोगों की आवाजाही दिख रही है। और इस तरह देख सकते हैं बिना मास्क भी एक आध शख्स दिख रहा है, हालांकि काफ़ी लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन का 97वें दिन हो चुका है और अनलॉकडाउन के इस दौर में भी कुछ लोग सिरमौर व हिमाचल प्रदेश में पड़ते कोरोना मरीजों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के प्रति जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग आधे मास्क पहने दिख रहे हैं और इस रोड से अभी पौंडा के 5 बाइकर एक साथ ब्रिज संभवता चूहार की तरफ जा रहे थे, तब देख सकते हैं लोगों की आवाजाही है बिना मास्क के भी। बारह बजकर 20 मिनट हुए और आप देख रहे हैं बस अड्डा बाजार संगड़ा में वाहनों की आवाजाही। स्थानीय एएसआई द्वारा आने जाने वाले वाहनों की जांच भी की जा रही है और इस तरह ड्रग फ्री हिमाचल का बैनर लगा है और पुलिस द्वारा इस बैनर के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं खरीदारी का समय है और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इस तरह बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के चालान किए जा रहे हैं पुलिस द्वारा और पुलिस के कहने अथवा चालान किए जाने के बावजूद तो नो पार्किंग अथवा गलत जगह गाड़ियाँ पार्क करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देख रहे पुलिस कर्मियों को बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के चलान करते हुए और इस तरह रेत बजरी के वाहनों की भी जांच की जा रही है और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। 8:08 में और अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी है संगड़ा बाजार में, बस एक दो दुकान के शटर आधे बंद है। इस तरह आप देख सकते हैं लगभग सभी दुकानें यहाँ बंद हो चुकी है।